भारत जो पिछले साल तक पूरी तरीके से आजाद मुल्कों की सूची में था, अब आंशिक तौर पर आजाद रह गया है। कई लोग इसे महसूस कर रहे होंगे। अमेरिका की एक संस्था फ्रीडम ऑफ हाउस ने इसे रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करते हुए उसने कई आधारों पर भारत को 100 में से 67 अंक दिए हैं। पहले 71 अंक मिले थे पिछले साल। कारण क्या रहा, पैमाना क्या था, उस सब का जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। तो साहब, दो मुख्य वर्गीकरण और 7 आधारों के तहत 25 सवालों की समीक्षा की गई और स्कोरिंग किया गया। जो दो मुख्य वर्गीकरण थे वो थे राजनैतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं। राजनैतिक अधिकार के तहत 40 अंकों में से भारत को 34 अंक हासिल हुए। वही अगर बात नागरिक स्वतंत्रता की करें तो कुल अंक 60 थे, जिसमें भारत ने हासिल किए 33 अंक। अलग अलग दोनों का जिक्र करते हैं। पहले जिक्र करते हैं राजनैतिक अधिकारों का। इसके तहत 3 आधारों की समीक्षा हुई। पहला आधार था चुनावी प्रक्रिया। इस आधार पर भारत को 12 में से 12 अंक मिल गए। समीक्षा क्या की गई? समीक्षा ये की गई कि जो सरकार का प्रमुख है या फिर जो विधायिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से चुने गए थे क्या? क्या चुनावों का जो कानून है और चुनावों को करवाने वाली जो संस्था है वो निष्पक्ष तरीके से चुनावों के इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है? और इन सवालों की समीक्षा करके भारत को 12 में से 12 अंक दे दिए। हालांकि अगर हम चुनावों पर और चुनावों को करवाने वाली संस्था यानी कि चुनाव आयोगों पर लग रहे आरोपों को देखें तो मालूम पड़ता है कि ये जो 12 अंक मिले हैं ये भी ज्यादा ही हैं। दूसरा जो आधार था वो था राजनीतिक बहुलतावाद। 16 अंक तय किए गए इस आधार का, भारत ने हासिल किए 13 अंक। समीक्षा किन सवालों की? समीक्षा हुई कि क्या लोगों के पास अलग अलग दलों की रैलियों में इकट्ठा होने की आज़ादी है? क्या विपक्ष के पास अपने आप को ग्रो करने और अपना सपोर्ट हासिल करने की एक व्यवस्था है, वो आज़ादी है? और क्या लोगों की जो पॉलिटिकल चॉइस है उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रभावित नहीं करते? इन आधारों का जब मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि भारत 16 में से 13 अंक हासिल कर सकता है। हालांकि अगर हम CBI, ED और अन्य जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों को देखें और जिस तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर विपक्ष को पंगु बना दिया गया है उसे कंसिडरेशन में लें तो पता पड़ता है कि ये जो 13 अंक मिले हैं ये थोड़े से ज्यादा हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर जरूर ऐसा दिखता हो कि विपक्ष पूरी तरीके से आजाद है अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने में, अपने लोगों को बनाने में, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर विभिन्न संस्थाओं की मदद से विपक्ष को पंगु बना दिया गया है। तीसरा आधार था सरकार की कार्यप्रणाली। भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने प्रभावी कानून इस सरकार ने बनाए हैं, सरकार का जो कामकाज है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना पारदर्शी है, इन सवालों की समीक्षा की गई। और इन सवालों की समीक्षा करने के बाद भारत को कुल 8 में से 5 अंक मिले। कारण क्या रहे होंगे जानना मुश्किल नहीं है। RTI के कानून को जिस तरीके से कमजोर किया गया या फिर लोकपाल और लोकायुक्त जो कानून थे उसकी जो धीमी शुरुआत हुई, ये कारण रहे इस आधार पर भारत के कम अंक हासिल करने के। दूसरा प्रमुख वर्गीकरण था नागरिक स्वतंत्रताएं। इस वर्गीकरण को 4 अलग अलग आधारों में बांटा गया, अलग अलग सवालों की समीक्षा की गई और भारत को 60 में से केवल 33 अंक मिले। अलग अलग आधारों की सिलसिलेवार बातचीत करते हैं। पहला प्रमुख आधार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। कुल 16 अंक तय किए गए और भारत को मिले केवल 9 अंक। समीक्षा की गई फ्री मीडिया, धार्मिक स्वतंत्रता और निजी राजनीतिक विचार रखने की आज़ादी की। समीक्षा इस बात की भी हुई कि जो शिक्षण संस्थान हैं वो राजनीतिक विचारधारा से कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना दखल है राजनीतिक विचारधारा का शिक्षण संस्थाओं में। और इन सब समीक्षा के बाद ये पाया गया कि भारत को 16 में से केवल 9 अंक दिए जा सकते हैं। और जो हालात हैं वो बताते हैं कि ऐसा होना लाजिम था। क्यों था? पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की जो हालत है वो हम में से किसी की से छिपी हुई नहीं है। जय श्री राम के नारे का प्रयोग और उसका स्वरूप लगातार बदल रहा है। शिक्षण संस्थाएं जो समीक्षा को बढ़ावा देती हैं, शिक्षण संस्थाएं जो रीजनिंग को बढ़ावा देती हैं, उन शिक्षण संस्थाओं पर लगातार पॉलिटिकल शिकंजा कसा जा रहा है। इन हालात के बीच इस आधार पर भारत का कम स्कोर लाजिम ही था। दूसरा प्रमुख आधार था संगठनात्मक अधिकार।
इसके तहत इस बात की समीक्षा हुई कि क्या संगठन बनाने की, क्या इकट्ठे होने की और क्या मानवाधिकार संस्थाओं को काम करने की आज़ादी है देश में। और जब इन तमाम सवालों की समीक्षा की गई तो भारत को 12 में से केवल 7 अंक दिए गए। तीसरा प्रमुख आधार था कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसमें जुडिशरी की समीक्षा हुई, न्यायपालिका की समीक्षा हुई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके कार्यप्रणाली की समीक्षा हुई, और जिस तरीके से जुडिशरी ने विगत साल में फैसले दिए हैं सरकार के समर्थन में, जिस तरीके से सरकार का दखल न्यायपालिका के कामकाज में दिखा है, उसे देखते हुए 16 में से 8 अंक दिए गए इस आधार पर भारत को। जो चौथा आधार था वो था निजी स्वायत्तता और अधिकार, यानी कि पर्सनल ऑटोनॉमी कितनी मिली। इसमें समीक्षा हुई कि किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेवल करने का कितना अधिकार है, अपने प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है कि नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी समीक्षा हुई कि उसके पास सोशल चॉइसेस रखने का अधिकार है क्या, जैसे कि शादी आदि का अधिकार। और जब इन बातों की समीक्षा हुई तो भी भारत स्कोर करने में बहुत पीछे रहा। कुल तय किए गए 16 अंकों में से भारत को केवल 9 अंक मिले। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा वो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के आवागमन का रहा। हमने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन में एक जगह पर फंसे हुए प्रवासी मजदूर तड़पते रह गए अपनी जगह पर जाने के लिए। सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने पैदल की, और इस कारण से इस आधार पर भी भारत स्कोर करने में पीछे रह गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भारत में जो आज़ादी के मायने हैं वो संकुचित हुए हैं, वो सीमित हुए हैं। भारत जो कि एक आज़ाद चिड़िया थी, उसके पर धीरे धीरे कतरे जा रहे हैं। लेकिन अधिक दिक्कत की बात ये नहीं है, अधिक दिक्कत की बात ये है कि जिस नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उस नागरिक को नागरिक स्वतंत्रता के हनन से दिक्कत है ही नहीं, और अगर उसे दिक्कत है भी तो वो आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए जॉन एलिया ने कहा होगा, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और खबर भी नहीं।